दोस्तों फुल टंकी करा रहा हूँ मैं यहाँ पे आपका, देखते हैं कहाँ तक जाता है ये। ऑटो कट हो गया जी? हाँ ऑटो कट है क्या? देखो एकदम ना 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 ऑटो कट हो गया तो छोड़ दो। टोटल आप यहाँ पे देखो 2172 और 20 लीटर के आसपास डलवाया मैंने इसमें। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मैंने दिखाया कि लगभग 20 लीटर के आसपास मैंने तेल इसमें डलवाया है और लगभग 2200 के आसपास की तेल थी इसमें। तो और जैसा कि स्टार्ट हो चुकी है अपनी जर्नी और ट्रिप मीटर को मैंने रिसेट किया था, उसके बाद देखो माइलेज अभी दिखा रही है 11.1 की। तो चलिए देखते हैं, आज थोड़ा लॉन्ग ड्राइव करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कितनी की माइलेज एक्चुअली टाटा पंच निकाल के दे रही है, कि ये सिर्फ हवा में बात हो रही है। क्योंकि जैसा कि काफ़ी सारे लोगों को हमने देखा है वीडियो बनाते हुए, लेकिन अभी तक कोई भी मतलब मुझे ये नहीं समझ में आया है कि प्रैक्टिकली कितना ये निकाल के दे पा रही है, क्योंकि मैंने काफ़ी इसको चलाया लेकिन क्लियरली मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आज ये जो जर्नी है ये पूरी उसी के रिगार्डिंग होने वाली है और देखिए क्या होता है आज। काफ़ी मज़ा आने वाला है आज आप लोगों को, क्योंकि एक ट्रिप पे निकला हूँ मैं आप लोगों के साथ और इस पूरे ट्रिप में ये जर्नी में हम लोग यही चेक करना चाहते हैं कि एक्चुअली टाटा पंच कितना माइलेज निकाल के देगी। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो 10 किलोमीटर के लगभग आसपास हम लोग आ चुके हैं और अभी MID पे दिखा रही है 17.5 की माइलेज। जी हाँ, रिसेट करने के बाद मेरी माइलेज जो है वो 17.5 की दिखा रही है, इसके पहले आप लोग देख रहे थे कि 10 की दिखा रही थी। तो देखते हैं एक्चुअली ओरिजिनली कितना आता है, लेकिन अभी तक MID के हिसाब से तो 17.5 के 18 ये टच कर देगी, अभी तो 16 से पार होते होते 18 तक आ गई है। तो दोस्तों क्या मारुति के लिए हम लोग बेचैन रहते हैं कि मारुति के पास माइलेज है माइलेज है माइलेज है। अरे आपके पास एक छोटा सा राइनो है जिसमें आपको MID पे ही 18 दिखा रही है, उनके भी तो MID पे उतना ही दिखाती है। तो एक बार चलते हैं, एक बार पूरे अच्छे से देखते हैं जाँच करके कि क्या आता है। और ये सामने आप देख रहे हो ये ITC की बिल्डिंग है और उसके बगल में JW Marriott है, ये आपका ITC की रॉयल यहाँ पे एक होटल है, JW Marriott होटल है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सॉल्ट लेक, कोलकाता सॉल्ट लेक। ठीक है, चलिए आगे जर्नी कंटिन्यू रखते हैं और आपको बताते रहेंगे कि क्या आ रहा है। अरे टाटा पंच लगता है फिर सामने है, टाटा पंच सामने है, ये अपने साथ चलता रहेगा। ये रहा फिर से टाटा टाटा पंच। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मतलब आप लोगों को समझने के लिए है कि जो मैंने आपको बताया रीसेट करके आप देख सकते हो, हमेशा अपने मतलब MID पे आप जब भी कोई ट्रिप करो तो एटलीस्ट रीसेट कर दिया करो, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी ट्रैवलिंग क्या हो रही है और क्या नहीं हो रही है। जैसे मैंने आपको रीसेट करने की सेटअप भी बताई कि आप कैसे रीसेट कर सकते हो। तो टाटा के साथ ये जर्नी आपने काफ़ी मज़ेदार होने वाली है आज की, क्योंकि हम लोग आपको भी पता है कि माइलेज टेस्टिंग पर निकले हुए हैं। तो कुछ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा जिसको आप यूज़ करके इसको काफ़ी बढ़िया से कर सकते हो। अभी दोस्तों देखो ये 18 टच कर दिया, मैंने बोला था ना ये MID पे 18 हम लोग टच कर देगा, ये 18 टच कर दिया है ये। चलिए आगे देखते हैं कहाँ तक ले जाते हैं इसको। दोस्तों MID में अभी आपका 18.5 पार कर चुकी है टोटल किलोमीटर पर लीटर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 18 तो पार कर ही जाएगी और अभी तक हम लोग 14 किलोमीटर आ चुके हैं। टोटल कोशिश रहेगी कि कम से कम 100 किलोमीटर टच करूं और देखूं कि कितना निकल के आ रहा है माइलेज अपनी आज की। दोस्तों अभी 19 किलोमीटर टोटल जर्नी हो चुकी है मेरी और अभी हम लोग न्यू टाउन के एरिया में आ चुके हैं, कोलकाता न्यू टाउन के एरिया में मैं हूँ। 18.5 की आपकी वो दिखा रही है। तो दोस्तों न्यू टाउन के एरिया में मैं आ चुका हूँ, आप लोगों को जैसा बताया मैंने कि 19 किलोमीटर की जर्नी अभी तक हो चुकी है कंप्लीट और MID पे अपनी 18 दिखा रही है, 18 की KMPL दिखा रही है अभी MID पे अपनी। और देखते हैं कहाँ तक इसको जाके जर्नी कंप्लीट करेंगे, जहाँ से एक्चुअली पेट्रोल मैंने लिया था वहीं पर जाके मैं पेट्रोल डलवाऊँगा
और हम लोग देखेंगे कि कितना टोटल जर्नी हमने कंप्लीट किया है और कितने की माइलेज अपनी निकल के आ रही है। दोस्तों 19.5 कंप्लीट हो गया किलोमीटर। दोस्तों न्यू टाउन काफ़ी बढ़िया लगता है, मतलब यहाँ पे आके भी अच्छा लगता है आपको। वाह, इस गाड़ी की तो बात नहीं करनी है, फोर्ड एको स्पोर्ट काफ़ी बढ़िया गाड़ी है ये। अब तो इसकी प्रोडक्शन इंडिया में नहीं होती है, ये सब अभी ये सब इम्पोर्टेड गाड़ी हो चुकी है। Now we are entering towards the Biswa Bangla Gate. ये दोस्तों कोलकाता के न्यू टाउन का Biswa Bangla Gate है, जैसा कि आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा, ये हम लोग Biswa Bangla Gate पहुंच गए। काफ़ी बड़ा लगता है आँखों से देखने में, तो और ख़तरनाक लगेगा आपको जब आप आँखों से देखोगे ना, तो काफ़ी बढ़िया लगेगा आपको देखने में। चलो हम लोग चलते हैं, आपका जितना लंबा जर्नी हो सके कंप्लीट करनी है, ताकि कम से कम 100 तक तो टच करने की कोशिश करना है। 22 किलोमीटर हो चुका है। दोस्तों अभी देख सकते हो आप 18.3 का दिखा रहा है और अपने किलोमीटर भी जो है वो लगभग 23.6 हो चुकी है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, ये जगह तो मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया है कहाँ पे अभी हम लोग आए हैं। आपका ये हमारा एरिया है न्यू टाउन का, इको पार्क का एरिया है ये। तो ये टोटल मेरी जर्नी जो स्टार्ट होती है उसी के अंतर्गत ये पूरा एक पैटर्न जो है वो कंप्लीट होता है दोस्तों। तो आज मैं वही पैटर्न आपका कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, सो डैट कि हम लोग जो 100 किलोमीटर की जो टारगेट है वो यहाँ मैं कंप्लीट कर सकूँ। तो यहाँ पे आके मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब काफ़ी रिलैक्स महसूस करता हूँ मैं यहाँ पे आके। अभी 24 किलोमीटर हो गई है, गाड़ी पार्किंग की 50 रुपये लोग चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे आपका बैम्बू का भी एक वो मिलता है, खाना मिलता है आपका, अंदर में ही खुला हुआ है इन्होंने। गाड़ी पार्क करेंगे हम लोग भी। दोस्तों अभी 15.6 की दिखा रही है KMPL, और अगर किलोमीटर की बात करें तो लगभग 31 के आसपास दिखा रही है किलोमीटर जर्नी अभी तक हो चुकी है अपनी। दोस्तों टोटल जर्नी जो है मेरी वो 55 किलोमीटर की हो चुकी है। अभी मैं आया था टाटा के शोरूम, मुझे कुछ काम थे, कुछ पेपर साइन कराना था उनसे लोन के रिगार्डिंग में, तो वो काम अभी हो चुका है मेरा। मैं जा रहा हूँ आपका थोड़ा और कहीं घूमते हैं, कुछ खाने पीने की जुगाड़ में मैं पहुंचा हूं यहां पर, कुछ खाते पीते हैं। तो आ गई है रोटी और मटन। तो आज की ब्लॉगिंग की ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, खाना भी तो ज़रूरी है, चलिए इसको खाते हैं। तो दोस्तों खाना भी हो गया और अभी 14:30 के आसपास KMPL दे रही है और 65 किलोमीटर की राइड हो चुकी है हमारी आज की, पूरी सिटी में ही चला रहे हैं हम। चलिए आगे देखते हैं और कहाँ कहाँ जाना है हमें। इसमें मैंने आपका कोशिश किया कि भीड़ भड़ा के इलाके में भी काफ़ी चलाई मैंने गाड़ी, और खाली रोड पे भी काफ़ी चलाई है, तो मतलब सिटी की ट्रैफिक में भी चला ली, खाली रोड में भी चला ली। अब चलते हैं हम लोग आपका डेस्टिनेशन की तरफ, लेट्स गो। तो दोस्तों आज की जो ट्रिप है वो मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी देर से मैं चलाया, क्योंकि मैं सोचा था कि आपका 100-150 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करूंगा, फिर सोचा कि नहीं चलो शहरों के बीच में से घुसाते हैं। तो शहरों के अंदर खूब चलाया मैंने आपका, ताकि ट्रैफिक में भी हम लोग गाड़ी को चला सके और खुले रोड में भी मैं गाड़ी चलाया हूँ जैसा कि आप देखे हो। तो अभी मेरा जो दिखा रहा है MID पे, वो दिखा रहा है 14:30 का KMPL, और अभी किलोमीटर अपनी कंप्लीट हो गई है लगभग 72। अब हम लोग जा रहे हैं पेट्रोल पंप, जहाँ से मैंने स्टार्ट की थी जर्नी वहीं पे मैं पहुँचने जा रहा हूँ, और हम लोग देखेंगे कि कितना तेल वहाँ पे अब इसमें पड़ रहा है कि ये टोटल आपका फुल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक बार कितना इसमें तेल अभी पड़ेगा।
दोस्तों आज की जो ट्रिप है वो कंप्लीट हो गई और लगभग 73 किलोमीटर के आसपास मैं रन किया हूँ आज, जिसमें MID में दिखा रही है लगभग 14.5 की जो आपकी माइलेज आई है। और अगर अभी हम यहाँ पे देखें तो ये मैंने फुल कराया था आपका 2172 रुपीज़ का मैंने फुल कराया था, जिसमें 20 लीटर के आसपास मेरी आई थी, ये टंकी फुल हो गई थी आपका। और अभी मैंने जो आपका कराया है, अभी मैंने कराया है आपका, तो ये अपनी आई है 5.44 आपकी आई है टोटल, इसमें तेल आई है। मतलब अगर आप पकड़ के चलो एक किलोमीटर में अगर इसके हिसाब से हम लेते हैं तो लगभग 12-12.5 के आसपास की जो है वो माइलेज निकाल के ये दे रही है, जिसमें आपका हेवी ट्रैफिक पे भी मैंने गाड़ी चलाई है दोस्तों, और थोड़ा सा हाईवे भी है और मैक्सिमम लेकिन जो था वो हेवी ट्रैफिक था, तो लगभग 12.5 के आसपास इसकी माइलेज निकल के आ रही है। तो मेरे ख्याल से उतना कोई ख़राब नहीं है माइलेज, क्योंकि अभी एकदम नई गाड़ी है, फर्स्ट सर्विस के बाद इसकी माइलेज जो है वो और बढ़ जाएगी। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि टोटल जब एनालिसिस हुआ हमारी, तो ये समझ में आ रहा है कि माइलेज जो है वो ठीक है। माइलेज में कंपनी जो क्लेम करती है लगभग 13 के आसपास की, 13-15, वो लगभग सही है आपकी। तो अब इसको हम रिसेट करेंगे, यहाँ से अब हम लोग रिसेट कर लेते हैं, ये हो गई रिसेट, आज की हम लोग की पूरी ट्रिप कंप्लीट।